अपने बाबे जिहड़े चले गए अजकल कहिंदे नहीं पंजाब नूं की बना देना कैलीफोर्निया सो दैट वॉज एन हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जिदा रियलिटी दे नाल ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹੜਾ ਪੱਟ ਛੱਡੋ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੂ ਨੋਟ ਸੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੈਂਕਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਅਚੀਵਿੰਗ ਯੂਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਕੋਚ ਗੈਟ ਦ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਈਐਲਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦ ਰਮਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੂਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਜੀਟੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਮ ਟਰੂ These are the words, the most common IELTS vocabulary you would see in so many different contexts, different passages. So, depend karta ke context agar same hega, then vocabulary gets repeated. Theek hai? So, utthe sade jehde passages ne oho architecture te archaeology then are related. So this is the vocabulary related to these two topics. If the passages then are related, then the chances are that the vocabulary will repeat. Starting with the very first one, architectural. What is architectural? पूरा फील्ड आर्किटेक्चर लाउड एंड क्लियर बोलो व्हाट इज आर्किटेक्चर बिल्डिंग डिजाइनिंग एंड ऑल दैट एंड आर्किटेक्चरल ए एल वर्ड्स लग जाते हैं एडजेक्टिव होने आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट ठीक है आर्किटेक्चरल डिजाइन इदा दे करके वर्ड्स होते हैं सो आर्किटेक्चर इज अ फील्ड आर्किटेक्चरर परसन जिन्होंने आप कह दें तो आर्किटेक्चरल एक एडजेक्टिव हो गया नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन loud strengthen is nahi galat hai us strength hunda strength ode ch badi taakat ode ch badi strength aa apa eh kehne ki ode ch badi strength aa na boost up karna tode muh ch nikle a ek verb ठीक है तो असी 90% स्टूडेंट्स नू देखोगे ये गलती करते हैं इट वुड हेल्प टू स्ट्रोंग द बॉन्डिंग अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नो इट्स नॉट स्ट्रोंग द बॉन्डिंग इट्स स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग क्लियर है तो स्ट्रोंग की होंगे देयर रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रोंग एडजेक्टिव क्लियर है नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डिप्रेशन इकॉनमी You know, depression की हमने stress हो जाने economy नो yes एक होंदा जो मैं inflation महंगाई बढ़ दिया है ना एक होंदा जो मैं कहते हैं recession the period आ गया economy downturn आ गया जो ही economy down जानी शुरू हो जाती है उसी की कहते हैं economic recession not depression तो जो ये recession है long time तक sustain रहती है मतलब economy च growth notice नहीं होती तो वो recession का दिच convert हो जाता फिर depression दिच convert हो जाता very business oriented term next one is exploit अपने फायदे दे ध्यान च रखते हुए चीज़ों का इस्तेमाल एक्सप्लोइटेशन आप यूज़ करते हैं एक्सप्लोइटेशन चाइल्डहुड लेबर ठीक है एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज आप नैचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल अपने लिए करते जा रहे हैं ठीक है तुम भी पेरेंट्स नूं एक्सप्लोइट करते हो कई बार डैडी 200 रुपये दे दो 500 रुपये दे दो सो इट्स ऑलसो एक्सप्लोइटेशन तो नेक्स्ट इज ते मम्मी भी लेंदे ही है तुहाडे तो काम कई वारी है ना भांडे मांजदे कई वारी आ करदे दैट्स आल्सो एक्सप्लोइटेशन रीइनफोर्स नहीं बहुत स्टूडेंट होर सेंस ना लेके चलते एदे ही सिनोनिम है स्ट्रेंथन दा मजबूत करना रीइनफोर्स ठीक है जिवें अपना बॉर्डर के उपर होर तैनाती कर देंगे फौज होर भेज देंगे कहदे लई टू रीइनफोर्स के कोई भी साढ़े इधर घुसपैठ ना कर पाए या इनवेड ना कर पाए नेक्स्ट इज डिमोलिश वी ऑल नो दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड बिल्डिंग नू ढा देना तबाह कर देना सिर्फ बिल्डिंग नहीं किसी भी चीज़ किसी मोरैल नू भी ढा देना नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड वर्ड ही बड़ा सोफिस्टिकेटेड है हाँ जी बहुत चीज़ों के नाल यूज होंगे इट्स एन एडजेक्टिव सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी
कोई भी चीज़ जी अपने आप बड़ी कंप्लीट है ना वो असं सोफिस्टिकेटेड यूज कर लें जमें सोफिस्टिकेटेड परसन भी पोलाइट भी होवे वैल मैनर्ड भी होवे ठीक है कॉन्फिडेंट भी होवे वो सारिया चीज़ा जो सारे गुण एक बंद आ जाते तो असं वो एज अ कॉमन की कह दें वेरी सोफिस्टिकेटेड परसन पंक्चुअल आ ये आ वो आ को एग्जिस्टेंस तो ऐसे वर्ड विच भी निकलिया जो किसी बंदे दे अंदर ये सारे गुण इकट्ठे ही एग्जिस्ट करते हो तो वो सारी चीज़ में की बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड लेकिन चीज़ों के इकट्ठिया ही एग्जिस्टेंस में असी को एग्जिस्टेंस बोलते हैं डू नॉट से एग्जिस्टेंस टेंकरी आवाज नहीं आनी चाहिए तुसी जो एग्जिस्टेंस बोलना इट्स एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस राइट नेक्स्ट वन इज स्काई स्क्रेपर्स जिन्हों फोटो देख देख के तुम जहाज से बैठने फिरते हो ठीक है वो उच्ची उच्ची बिल्डिंग जाके धोन च वाल पै जाना मुड़ के उत्थे जाके अं बैठे होने हफ्ता का सैट भी होने लग जाता नेक्स्ट स्कैटर उल्टा हो गया ना इत्थे साडे घर खिलरे पे आ है ना एक उत्थे पिंड दे विच पूरे पिंड एडे वड्डे खेत विच एक ही घर है स्कैटर्ड है एक घर उत्थे एक उत्थे वो सारे घरां नूं एक दूजे उत्ते खड़ा करके की बना दिंदे आ स्काई स्क्रेपर बना दिंदे आ नेक्स्ट इज आपां घर बनाने आ है ना उहदी फाउंडेशन हुंदी आ नींह हुंदी आ है ना किन्नी कु नींह खोददे आ एट एन एवरेज एक या दो मंजिल का मकान बनाना होंगे जो आप तो चार पाँच फुट थले जमीन खोद के तो फिर बनाते हैं ताकि जमीन फड़ ले पैर जम जाए है ना तो यही जो स्काई स्क्रेपर बनता होगा उदो काफ़ी थले चले जाते हैं थलू पानी निकल आता ओके दिस एक्सकवेट इज खुदाई ठीक है वैसे आर्कियोलॉजी का पार्ट आ जिदे विच असी पुराने जड़े लोग रहिंदे सी पुरानी सिविलाइजेशन सी उन्हां बारे जानना चाहते हैं थले आपां खुदाई करिए कोई मटका निकले आवे ठीक है असी उदों जजमेंट करिए भी कित्थों आया तुसीं भी जाके अज अपना मैं तां कहिंदा वेड़ा पट छड्डो की पता थल्लों कोई सोने दी गागर निकल आवे अद्धे अद्धे कर लाँगे क्योंकि आइडिया मेरा सीगा ते मेहनत तुहाडी आ आर्कियोलॉजी यही फील्ड जिहदी आपां गल कर रहे हैं जिन्हें यह सारा कुछ करना फिर उस तो बाद जिन्हें चीज़ा मिलदियां ने उन्हों का की बना लिता जाता कैटालॉग बना लिता जाता कैटालॉग समझ लगे ना हम अपने आप ही जिम्मे लाइब्रेरी जाओ लाइब्रेरियन को मैं फलानी बुक चाहिए है तो अजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल होंगे कंप्यूटर के ई कैटालॉग कड़ लगा भी साढ़े को 35,000 बुक आ तेनों फलाने फील्ड की चाहिए आ फलाने राइटर की चाहिए आ चक पंजवीं एले च जा उ तीजी अलमारी के दूसरी शेल्फ से 8वें नंबर से बुक पई है सो उन्होंने किमें पता लगे सारा बिकॉज इट वॉज It was cataloged. Next is consecutive. What is consecutive? Not consecutive. Consecutive क्या होता है? कल इंडिया मैच आ रहा है ना? खेरली बॉल तो छक्का चाहिए सीगा उस तो पिछली तो भी मारता सी उन्हें छक्का है ना तो जे कि अगली तो भी मार देता फिर इंडिया ने जज जाना सी डू बैक टू बैक इज कंसेकटिव इट्स दिस कंसेकटिव ईयर कि यह बिजनेस है यदि ग्रोथ है जी इन्नी हैगी है ठीक है बीजेपी जित रही है गुजरात में अच सुने वो भी अगे चल रही है सो यदी जी कंजैकटिव फिफ्थ या सिक्सथ विन हो जानी कहते 27 साल तो चल रही है उत्थे 5-1 साल की भी एवरेज कटी है सो समझ आ गया कंजैकटिव इज नैक्सट नैक्सट चली जाना अगले दी अगला लगातार विदाउट ब्रेक अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस की होंगे नहीं पता यही है मतलब सौखा हो गया एम्बिगुअस मैनू नहीं पता क्लीयर ना होना ठीक है एम्बिगुअस जिहड़ी चीज़ क्लीयर नहीं हैगी तो अनएम्बिगुअस की बन गया फिर क्लीयर जिहड़ा साफ पता चले वो की है अनएम्बिगुअस है जिवें अपैरेंट आ अनएम्बिगुअसली हुण तुसीं शुरू कर देना वर्तना कर ली बट कल्ला एक ही वर्ड स्मार्ट ना होवे फिर उहदे बराबर दी लैंग्वेज अगे भी नज़र आवे ठीक है कल्ले बूट ही ना चिमी चूदे होण तो उपर कपड़े च मोरियां होईयां होण नैक्सट इज
क्रोनोलॉजी एक कंसेक्यूटिव दा ही सिनोनिम आ आपां कहिंदे ना प्लेस इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईवेंट जिन्ने भी हुए आ 88 च होया जी 92 च होया 2000 च होया 2007 च होया चाहे फर्क होवे पर वो इंटरवल्स है जिहड़े भी तुसीं दस रहे हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च होने चाहिए आ ते क्रोनोमीटर किन्नू बोलदे आ दुनिया का सब तो औखा सवाल तुहाडे लई क्रोनोमीटर शायद कदे देखिया होवे तुसीं इंडियंस वैसे घट ही देखते हैं देखना कड़ी नू बोलते हैं नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस हाँ जी दैट इज अ हिप्नोटिज्म अपने बाबे जड़े चले गए अजकल कहते नहीं पंजाब नू की बना देना कैलिफोर्निया सो दैट वॉज एन हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जिदा रियलिटी दे ना कोई लेना देना नहीं गा ठीक है लेकिन जो थ्योरी साबित हो जाती है वो अदरवाइज हर एक चीज़ शुरुआत में पहला की होंगी एक हाइपोथेसिस ही होंगी है कि इदा होएगा तार दे विच आह चीज़ आएगी तो बल्ब जग जाएगा कोई विश्वास नहीं करेगा लेकिन आइंस्टाइन ने करके दिखाता तो वो एक थ्योरी बन गई अज सारे आप उसके बारे पढ़ते हैं नेक्स्ट इज इनहैबिटेंट बहुत सारे वर्ड्स इहदे इक्को च ही निकलते हैं नो किवें नहीं बेटा इहदे चो सब तो सौखा वर्ड निकलता पिया हैबिटेट हैबिटेट की हो गया रहण वाली थां इनहैबिटेंट हैबिटेंट कौन हो गया रहण वाला इनहैबिटेंट कौन हो गया रहण वाला हैबिटेट की हो गया रहण दी जगह इनहैबिटेड की हो गया लिख लो अपने को सारे ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच ने अलग अलग सारे का अलग अलग मीनिंग है तो सारे के नाल अलग अलग तरीके दा सेंटेंस बनेगा अपनी आदत की है असी एक वर्ड सुने नहीं बस लै भी याद हो गया उस बाद पंजाबी जो थोड़ा ब्रेन की सेंटेंस दे रहा तुसी इंग्लिश दे विच ओही वर्ड ही बार बार लिख रहे हो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू हैबिटेट रहन दी जगह इनहैबिटेंट जेड़े लोग उत्थे रहिंदे ने इनहैबिटेड INHABITED इनहैबिटेड प्लेस जिथे वसो हैगी है जिथे कोई वस सकदा अनइनहैबिटेड इहदा उल्ट हो गया मतलब जिवें जैसलमेर तो अगे निकल जाओ जैसलमेर तो भी डीप बहुत ऐसे इलाके पे है जिथे पानी नहीं कोई सर्विस नहीं कोई सहूलत नहीं कोई कुछ नहीं है तो असीं उहनूं की मन के चलदे हां एक अनइनहैबिटेड पार्ट ऑफ इंडिया क्लियर है नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक लैंग्वेज नाल एसोसिएट होंदा लिंग्विस्टिक पर्सन वंस अगेन आर एडजेक्टिव जिसनू लैंग्वेज के उपर काफ़ी महारत आ नेक्स्ट इज इनॉर्मस MOUS इनॉर्मस इज विशाल बोलते मूँह चो ही इदा निकल इनॉर्मस ये आवाज नाल रिलेट कर दी है मीनिंग प्लेंटीफुल सेम ही जड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा होवे उनके लिए असी प्लेंटी कह दें तो कोई चीज़ किसी चीज़ ना भरी हुई है तो असी उसके लिए भी प्लेंटीफुल कह दें तो नेक्स्ट हैगा स्लर्जस एदा भी मतलब सेम ही है पता लगे हरेक अगर एक तरीके का बोली जाने आप स्लर्जस की होया सुने कदे किसी ने आम सुने होना देखिया सारे ने देखिया थोड़े वो कई ने बह भी जाना वो कई नहीं को सारी बैठो तुसी भराओ कैनेडा केड़ा केड़ा चला थोड़े चो कोई कैनेडा तो इलावा कि होर चला हो सब कैनेडा वाले यार वो वेख्या है वो की होंगे वह दिन आने वाला है क्रिसमस वाला बाबा कहदे ते आ रहा होंगे वो कहदे ते आंदा हो खरौड़ियां ते की क्या कहदे ते आ रहा होंगे वो गाने जे विच जिंगल बैल रथ दे तुसी देखे जी कदे कादे ते आ रहा होंदा ओ आहो दे अगे पिछे यार पंजाबी च एक्सप्रेस नहीं कर सकते भी कादे ते आ रहा होंदा ओ
ਕੁੱਤੇ ਜਾਨੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕੜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੈਜਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਰੇਨਡੀਅਰਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਲੈਜਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਵੁਲਫ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡੋਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੁਲਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੁਲਫਸ 10-12 ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਲੈਜਸ। Next one is carving. Who knows this? Really? Carving नहीं पता? Yes, exactly. जिवें गोल्डन टेंपल जाओ तो हर एक जगह पे कार्विंग नजर आएगी। एक जड़ा क्राफ्टमैन है, एक जड़ा कारीगर, एक आर्टिस्ट है, वो की करता, कार्व करता। वो मार्बल उपर हो सकती है, गोल्ड उपर हो सकता, बहुत सारिया चीज़ों के उपर कार्विंग होंगी, स्टोन के उपर कार्विंग होंगी। नैक्सट इज बहुत ज़्यादा, उत्थे तुहानू बहुत ज़्यादा ही नज़र आती है हर एक चीज़ के उपर। ठीक है, इरेक्शन खड़िया करना। ठीक है, सो कल जो मैं एक स्टूडेंट से वो गलत यूज कर रहा है कि उत्थे उस तो बाद पार्क बना दिता गया। बिल्ड करना, पार्क के लिए असी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, अ पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नाउ, बट उत्थे असी इरेक्शन ही खड़ा कर सकते। इरेक्शन का मतलब खड़िया करना, ज़्यादातर असी टॉल बिल्डिंग्स के लिए ही यूज करांगे, या बिल्डिंग के लिए कुछ स्थापित करना, जिवें स्टैचूज वगैरह भी बनाते हैं मार्बल के, सो उन्होंने कह देने रीसेंटली बीन इरेक्टेड इन माई एरिया। आप फाउंटेन वाला भी क्यू कट किया हुआ है ना, उद भी सेम वर्ड यूज किया गया, इट हैज बीन इरेक्टेड इन द पार्क नाउ। नेक्स्ट इज केओस। स्पेलिंग कैसे सही हो ऐसे के थोड़े, ओके थोड़े, वेरी गुड। केओस की होता कोई चीज का हफड़ा तफड़ी, पग दौड़, डिसऑर्डर, हसल एंड बसल, पंजाबी कुत्ते भगाई हो रही होनी। ठीक है, सो दैट्स केओस। नेक्स्ट इज ब्रूडल। ब्रूडल इज सिखों ज़्यादातर अरदास नहीं पढ़ते कदे, चरखड़िया दे चरे ता नारियां नाल चराए, सीस कतल कीते, तुहानू देखे होने उत्थे बच्चियां दे गलां च हार पवाए, कलेजा कढ़ के प्यो दे मूँह च पाना, ये सारी की है ब्रूटैलिटी की निशानी है। मतलब ਨਿਹਾਇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ, BRUTALITY। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਰੂਟਲੀ ਕਿਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਪੈਚੂਏਟ perpetual, perpetuate, ए verb किसी चीज़ नू long lasting बनाना, forever चलने वाली बना देना, तो perpetual adjective बन गया, eternal दा synonym बन गया, eternal, eternal मतलब जड़ी चीज़ forever है। कई बार परफ्यूम्स वगैरह लैन जाओ, फ्रेगरेंसिस वगैरह लो, उसके ऊपर लिखा होता कि फॉर एवर यदि स्मैल रही है, चाहे 5 मिनट बाद ही पूछना पवे यार वेख मेरे तो स्मैल आ रही कि नहीं आ रही। ओके, दैट्स वेरी मच ऑल।